गाइज, आप में से बहुत सारे लोगों की क्वेरीज मेरे पास में आती हैं कि सर हमको फोरेक्स करनी चाहिए या फिर हमको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए, कौन सी बेस्ट है, कहां पर ज्यादा रिस्क रहेगा, कहां पर ज्यादा प्रॉफिट होगा, कहां पर हमको ज्यादा टाइम की जरूरत पड़ेगी, कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, लर्निंग की जरूरत पड़ेगी। तो गाइज, आज इस वीडियो में सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर कर दूंगा, क्योंकि जब आप अपना ट्रेडिंग करियर स्टार्ट करते हो एज ए बिगनर, तो आपको ये डिफरेंस का पता होना बहुत जरूरी है कि आपके लिए कौन सी बेस्ट है, ऑप्शन या फिर फोरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है, इसके साथ में अगर आप मीडिएटर हो या एक्सपर्ट लेवल के ट्रेडर हो, तो भी आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि कब आपको ऑप्शन से स्विच करना है फोरेक्स के ऊपर, अगर आप फोरेक्स के ऊपर हो तो आपको कब स्विच करना है ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, तो कई सारी चीजें हैं गाइज, आज इस वीडियो में आसान तरीके से मैं आप लोगों को ये सारे डिफरेंसेस बताऊंगा, उसके बाद हम फिर देखेंगे कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है टू ट्रेड। ठीक है, अब देखो गाइज, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो लास्ट तक आप देख लेना, ये डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे सारे के सारे। और फर्स्ट टाइम अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर रखना, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। और अगर आपके पास में ट्रेडिंग का कोई अकाउंट नहीं है तो गाइज आप क्या कर सकते हो, नीचे दिए गए लिंक से अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। $10,000 आपको मिलते हैं डेमो प्रैक्टिस करने के लिए, जो आपकी लर्निंग में और आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, सो गाइज यार, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, उसके बाद हम फोरेक्स को समझेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो गाइज ऑप्शन में आप इस तरीके से समझो, ये एक हमारा स्टॉक हो गया। ठीक है, एक असेट मान के चलते हैं हम कि इस असेट का जो प्राइस की जो वैल्यू है, मान के चलो एक मिनट के अंदर मुझे ये लगता है कि ये जो असेट अभी जो इस प्राइस के ऊपर जो मूवमेंट दे रहा है, अगर ये एक मिनट के अंदर बढ़ेगा तो मैं क्या करता हूँ, मैं अप ट्रेड लगाता हूँ। ठीक है, अगर घटेगा तो मैं डाउन ट्रेड लगाता हूँ। वो कहां से कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहां से ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में समझ में आ रहा है, जब भी किसी स्टॉक के प्राइस की वैल्यू सर्टेन टाइम के अंदर, मतलब एक मिनट के अंदर, मुझे लगता है ये जो कंपोजिट इंडेक्स है इस प्राइस की वैल्यू अगर एक मिनट के अंदर बढ़ेगी तो मैं अप ट्रेड लगाता हूँ, घटेगी तो मैं डाउन ट्रेड लगाता हूँ। ठीक है, तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो ट्रेडिंग हम करते हैं ये हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगेन रिविजन मैं आपका करा देता हूँ ताकि डाउट आपका क्लियर हो जाए। किसी स्टॉक के प्राइस की वैल्यू सर्टेन टाइम के अंदर, एक मिनट के अंदर, यहां से मुझे दो मिनट के अंदर भी लग सकता है, मुझे लगता है कि ये तीन मिनट के अंदर बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से अप ट्रेड लगाऊंगा। अगर मुझे लगेगा घटेगा, इस प्राइस की वैल्यू की जो कीमत है वो डाउन जाएगी, घटेगी मतलब डिक्रीज होगी, तो मैं क्या करूंगा, डाउन ट्रेड लगाता हूँ। तो सर्टेन टाइम के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक सर्टेन अमाउंट की ट्रेड लगा रहा हूँ। ठीक है, फिक्स है, मेरा अमाउंट भी फिक्स है, मेरा टाइम भी यहाँ पर फिक्स है। तो फिक्स टाइम और फिक्स अमाउंट की जो ट्रेड है मैं अप या डाउन लगाता हूँ, वो मेरी क्या हो जाती है, वो मेरी सिंपल सा लॉजिक है, आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग हो जाती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं फोरेक्स की, तो यहां से आओ और हम लेट सपोज यहां पर आ जाते हैं, CADJPY पर हम आ जाते हैं। तो गाइस, फोरेक्स को समझने के लिए आप कुछ इस तरीके से समझ लो, ये अभी मेरा एक, मैंने यहां पर करेंसीज खोल रखी हैं। यहां पर देखो, वहां पर हमारा कोई एक सिंगल पेयर होगा, ठीक है, सिंगल करेंसी होगी, सिंगल असेट होगा, लेकिन यहां पर दो लिख रही है। ठीक है, एक CAD है, दूसरी JPY है। तो यहां पर आप चीजें को समझ लो गाइस कि यहां पर हम करेंसीज को ट्रेड करते हैं पेयर्स में। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं एक CADJPY को मैं अगर बाई करूंगा तो उसके साथ में मैं क्या कर रहा हूं, JPY को, CAD को अगर मैं बाई कर रहा हूं तो JPY को मैं सेल कर रहा हूं। तो यहां पर आप देखो क्या है, लेट सपोज मुझे अगर ऐसा लगता है कि CAD की वैल्यू बढ़ेगी, CAD की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी और JPY की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं अप ट्रेड लगाऊंगा। समझ में आपको आया, थोड़ा सा मैं और आपका क्लियर करता हूं डाउट, दूसरी पे आ जाते हैं। लेट सपोज मैं इस पे आ गया। ठीक है, तो यहां पर मेरा एक पेयर है, अगर मुझे ये लगता है यूरो की वैल्यू डिक्रीज होगी और AUD की वैल्यू बढ़ेगी तो मैं डाउन ट्रेड लगाऊंगा। गाइस यहां पर आप समझ लो कि हम पेयर्स में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, अब आप यहां पर थोड़ा सा और क्लियरिटी के साथ में अगर समझना चाहते हैं तो इस तरीके से समझ ले गाइस। देखो, जो मेरी फोरेक्स ट्रेडिंग है, ठीक है, ये फोरेक्स ट्रेडिंग आपकी क्या करती है गाइस, इसके बीच में कोई भी आपका सेंट्रलाइज्ड मार्केट नहीं है। ठीक है, मतलब कोई एक एक्सचेंजर नहीं बैठा है। यहां पर क्या है, जो ट्रेडर्स हैं, ठीक है, आपका समझो कि दुनिया भर के ट्रेडर आपस में यहाँ पर ट्रेड करते हैं, कोई भी यहाँ पर मतलब सेंट्रल एक्सचेंज नहीं है जो इसको हैंडल कर रहा हो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मैं हूँ, आप हो, आपके अलावा कोई और है, और भी कोई है, हम आपस में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, कोई सेंट्रल मतलब यहाँ पर आकर के हैंडल नहीं कर रहा है। दूसरी चीज अगर मैं बताऊंगा इस यहाँ पर क्या है कि देखो,
ये जो फोरेक्स जो ट्रेडिंग होती है वो आपकी 24 आवर्स चलती है, ठीक है, 5 दिन चलती है वीक में। तो आप यहाँ पर समझ लो कि फोरेक्स क्या है और आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है। तो आपको आई होप थोड़ा थोड़ा फंडा क्लियर हो रहा होगा। अब थोड़ा सा और मैं आपके डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। देखो, फोरेक्स हो या हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग हो, तो हमको कुछ चीजें समझ में होनी चाहिए। क्या, कि दोनों में क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। अगर मैं सिमिलरिटी की बात करूंगा, इस मतलब दोनों में क्या चीजें सेम है। देखो, आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग हो या आपकी फोरेक्स हो, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं दोनों ही केसेस में, ठीक है, दोनों ही केसेस में हम सारे इंडिकेटर सेम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स जो है, ठीक है, सेम एनालिसिस हम कर सकते हैं, ठीक है गाइज, सेम एनालिसिस, सेम इंडिकेटर, और हमको मार्केट की ट्रेंड की, मार्केट की एनालिसिस की, जो भी हम इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं, सेम हमको सेम जानकारी के साथ हम कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग या फोरेक्स ट्रेडिंग, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस की सबसे पहले बात हम कर लेते हैं कि यहां पर किसी असेट का प्राइस एक सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर हमको प्रेडिक्ट करना होता है कि वो अप जाएगा या डाउन जाएगा, ठीक है, ये हम पेयर में ट्रेड नहीं करते हैं। यहां पर क्या है, हम फोरेक्स की अगर मैं बात करता हूं, फोरेक्स में करेंसीज को हम ट्रेड करते हैं, पेयर्स में ट्रेड करते हैं। एक पेयर अगर मुझे लगता है करेंसी का अप जाएगा, मतलब सीएडी अगर अप जाएगा और मुझे लगता है जेपीवाई डाउन जाएगा, तो यहां पर हम सीएडी जेपीवाई करेंसी को पेयर में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर दूसरी कुछ मैं बात करता हूं, मेन मेन जो डिफरेंसेस हैं गाइस वो क्या है, देखो यहां पर दो चीजें आती हैं, एक आपकी प्रॉफिट, एक आपका रिस्क, ठीक है। तो यहां पर क्या है, मैं आपका अगर मैं बात करूं आपके पास में, तो देखो यहां पर क्या है, जो रिस्क है, जो आपका रिस्क है वो फोरेक्स में बहुत ज्यादा है, ठीक है, फोरेक्स में ज्यादा है और प्रॉफिट भी आपका ज्यादा है। समझ में आपको आ रहा है, फोरेक्स में क्या है कि आपका रिस्क भी ज्यादा है, आपका प्रॉफिट भी ज्यादा है। और मैं अगर बात करूं ऑप्शन ट्रेडिंग की, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या है गाइस, आपका जो प्रॉफिट है वो भी लिमिटेड है, जो आपका रिस्क है वो भी लिमिटेड है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से समझो, मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। फोरेक्स में हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ कंट्रोल नहीं है, उसमें हमें ज्यादा रिस्क है, ज्यादा प्रॉफिट है। लेकिन जब मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या है, 5 मिनट के अंदर मैंने ट्रेड लगाया, $100 का लगाया, तो यहाँ पर क्या है, मुझे $100 के हिसाब से, ये 90% के हिसाब से जो प्रॉफिट होगा वही होगा, अदरवाइज मुझे ये $100 ही लॉस होगा, ठीक है। यहाँ पर मेरा क्या है, लिमिटेड प्रॉफिट है और मेरा रिस्क भी लिमिटेड है, ऑप्शन ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ। अब चलो यहां पर कुछ और चीजें हम समझ लेते हैं। देखो, ये जो आपका ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया, ऑप्शन ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूंगा इस, तो यहां पर देखो क्या है, इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, ठीक है, ये क्या है कि अगर हमारी ट्रेड हमारी नेगेटिव हम चली जाती है, मैंने $100 का ट्रेड लगाया, ठीक है, मैंने अप लगाया, अगर मुझे लॉस हो जाता है तो मुझे $100 से ज्यादा का लॉस नहीं होगा, चाहे मेरा यहां पर बैलेंस कितना भी रहे, मेरा जो लॉस होगा वो $100 का ही लॉस होगा। समझ में आपको आ रहा है, एक 5 मिनट के अंदर मैंने ट्रेड लगाया था अप डायरेक्शन का, वो मेरा लॉस हो गया, तो मेरे अकाउंट में कितना भी बैलेंस रहे, मेरा जो लॉस होगा सिर्फ और सिर्फ $100 का रहेगा। समझ में आपको आ रहा है। दूसरी चीज अगर मैं बात करता हूं गाइस यहां पर, तो यहां पर क्या है, देखो अमाउंट मत देखो, मेरा आप यहां पर ये देखो कि इसमें मुझे बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। क्या, कि ये मैं कम अमाउंट के साथ में, लो कैपिटल के साथ में भी गाइस मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूं, ठीक है। अगर मेरे पास में मान के चलो कि $10 है, तो मैं $10 से भी इसको स्टार्ट कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आपको कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी। फोरेक्स ऑप्शन में क्या हो रहा है, लिमिटेड रिस्क हो गया, लिमिटेड आपका प्रॉफिट हो गया, आप लो कैपिटल से इसको स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरी चीज में अगर बात करूं, तो यहां पर एक ही ड्रॉबैक है कि आप यहां पर क्या है कि देखो ऑप्शन ट्रेडिंग में यह है कि $100 का ट्रेड लगाऊंगा तो मुझे क्या है 90% के हिसाब से इतना ही प्रॉफिट हो सकता है, इससे ज्यादा का प्रॉफिट नहीं हो सकता। समझ में आपको आ रहा है। अगर आप चाहो $100 से मेरा ये $500 हो जाए तो 500 नहीं हो सकता, आपने ट्रेड लगाया, आपका प्रेडिक्शन सही हो गया, तो ये फिक्स्ड है, इसका जो प्रॉफिट है वो भी फिक्स है, आपको इतना ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आपको कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको समझ में आ रही होंगी। और दूसरी चीज मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ गाइस, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुझे टाइम कम लगता है, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर कम टाइम फ्रेम, मतलब टाइम मेरे हाथ में नहीं है, मैं 5 मिनट के अंदर प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है, मुझे केयरफुल होकर की जरूरत है कि मैं अप ट्रेड लगाऊं या डाउन ट्रेड लगाऊं। मतलब 5 मिनट का है, तो 5 मिनट के बाद तो मैं कुछ नहीं कर सकता, यहाँ पे कोई चेंज नहीं कर सकता, ना मैं एनालिसिस कर सकता, तो मेरे पास में क्या है, प्रॉफिट भी लिमिटेड है,
मेरे पास में टाइम भी लिमिटेड है, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं। अब एक और चीज है गाइस, ठीक है, टाइम के अलावा यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग में जब आपका अमाउंट होता है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा आपका क्या लगता है, जो फीस है, ठीक है, जो आपकी कमीशन है वो बहुत ज्यादा लग जाती है, ठीक है। तो कमीशन आपकी डिपेंड करती है आपका जो ब्रोकर है वो कौन सा है, ठीक है, आपकी फीस जो है वो आपकी ब्रोकर के ऊपर डिपेंड करती है, बट वो कहीं ना कहीं एज कंपेयर टू फोरेक्स वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो आपको कुछ डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे, आई होप सो। अब अगर मैं बात करता हूं फोरेक्स की मैं बात करूं उससे पहले गाइस, अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो यार जाकर के टेलीग्राम चैनल को इस वीडियो के बाद में ज्वाइन कर लेना, नीचे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, यहां पर आप मेरे सिग्नल्स को कॉपी कर सकते हो और बहुत सारी चीजें जो है यहां पर देखो कंटेंट भी मैं प्रोवाइड करता हूं टाइम टू टाइम, और मैं ऐसी ही कोशिश करता हूं कि गाइस आपको नॉलेजेबल कंटेंट को मैं दूं, तो इसके लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना। अब देखो यहां पर हम समझ लेते हैं कि यहां पर फोरेक्स की अगर मैं बात करता हूं तो यहां से मैं जाता हूं और फोरेक्स में मैं जाता हूं और लेट सपोज कि मैं यहां पर ये मैसेज ले लेता हूं। तो देखो फोरेक्स में क्या है गाइस, यहां पर मेरा जो प्रॉफिट है ना, जो प्रॉफिट है उसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड प्रॉफिट है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अनलिमिटेड प्रॉफिट है और आप यहां पर ये दुनिया भर के बहुत सारे ट्रेडर आकर के यहां पर ट्रेड करते हैं, तो यहां पर क्या है ना कि लिक्विडिटी बहुत होती है, मतलब तो यहां पर आप देखो कि अगर आपकी जब हाई लिक्विडिटी है, ठीक है, तो यहां पर क्या है कि आप क्या कर सकते हो कि किसी भी टाइम के ऊपर आपको लगता है कि मैंने $100 का ट्रेड लगाया, मेरे $500 बन चुके हैं, तो आप यहां से एग्जिट कर सकते हो। तो टाइम की कोई लिमिट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 5 मिनट की ट्रेड लगानी पड़ेगी या 2 मिनट की ट्रेड लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें आप समझो आपने ट्रेड लगाया फोरेक्स का, ठीक है, फोरेक्स का ट्रेड लगाया, आपका प्रॉफिट होता है, आप कभी भी किसी भी मूवमेंट पर निकल सकते हो, आपका लॉस हो रहा है तो भी आप एग्जिट मार सकते हो। एग्जिट मारने का गाइस रीजन ये है कि लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, दुनिया भर के आके ट्रेड यहां पर ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक और चीज जो मुझे अच्छी लगती है फोरेक्स के बारे में वो क्या है गाइस कि यहां पर जो ट्रांजेक्शन जो होते हैं ना, मतलब मेरे बीच में आपके बीच में या और कोई ट्रेडर है उनके बीच में जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन जब हमारे करते हैं, हम जब ट्रेड लगाते हैं, तो उनकी भी फीस कहीं ना कहीं, ठीक है, वो थोड़ी सी कम होती है। तो आप यहाँ पर कुछ चीजें समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जब आपके पास में लिमिटेड कैपिटल होता है, ठीक है, लिमिटेड आपके पास में कैपिटल हो गया, उसके बाद में आपको अगर यही चाहिए कि आपकी कम फीस लगे। इसके बाद में गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कुछ इसके ड्रॉबैक्स फोरेक्स के, जो आपको बहुत ध्यान से समझने और ध्यान से सुनने। देखो यहां पर क्या है, क्योंकि लेवरेज आपको बहुत ज्यादा मिल जाता है, आप कितना भी प्रॉफिट कर सकते हो, अनलिमिटेड प्रॉफिट कर सकते हो, तो यहां पर क्या है ना कि गाइस लेट सपोज मैंने $100 का ट्रेड लगाया, ध्यान से समझना, अब मैंने अप लगाया, तो मार्केट अगर अप जा रहा है तो मुझे यहां पर जो प्रॉफिट है ना वो अनलिमिटेड हो सकता है, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है, कितना भी प्रॉफिट हो सकता है, लेवरेज का कोई यहां पर रूल ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर इन केस अपोजिट जाएगा, लॉस होगा, तो लॉस भी मुझे अनलिमिटेड हो सकता है, कितना भी लॉस हो सकता है गाइस, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन में $10 का ट्रेड लगाया नेगेटिव होगा तो 10 ही जाएगा, यहां पर ये कितना भी है या कितना भी नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, समझ में आपको आ रहा है। अब अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या है, फोरेक्स को समझने के लिए थोड़ा सा आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, आप जब बिगिनर हो, ठीक है, आप बिगिनर हो तो आप फोरेक्स को अवॉइड करो, क्योंकि फोरेक्स को समझने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मार्केट है गाइस, ठीक है, वर्ल्ड वाइड के ट्रेडर आपस में ट्रेड करते हैं, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं हल्का सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या है फोरेक्स में गाइस, आपको जो कैपिटल है, ठीक है, ये जो अमाउंट जो है वो आपको बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है, मतलब आप चाहो कि $10 से $20 से 100 500 $1,000 से अगर आप फोरेक्स करोगे तो फिर ये आपकी भूल है, ठीक है, आपको ये नहीं करना चाहिए। अब यहां पर क्या है, देखो मैं कुछ और चीजें आपकी क्लियर कर देता हूं, आप कैसे सेलेक्ट करोगे कि आपको फोरेक्स या आपको ऑप्शन, दोनों में से कौन सी ट्रेडिंग आपको करनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो देखो अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास में रिस्क लेने की क्षमता है, आप कितना भी रिस्क ले सकते हो, तो फोरेक्स में जाओ। अगर आपको लिमिटेड रिस्क चाहिए, ठीक है, आपके पास में $10 है, आप $10 पे $3 का रिस्क ले सकते हो, तो फिक्स टाइम की जो ट्रेडिंग होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग जो होती है, उसमें जाओ, ठीक है। अगर आपके पास में कैपिटल का कोई इशू नहीं है, आप कितना भी कैपिटल लगा सकते हो, तो आप फोरेक्स में जाओ। अगर आपके पास में 10 20 50 100 डॉलर ही है, तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में जाओ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी ट्रेडिंग आपके लिए बेस्ट रहेगी।
कुछ और अगर चीजें मैं आपको बताऊंगा इस यहाँ पर, क्या देखो आप किस तरीके के ट्रेडर हो, आपको मार्केट की कितनी नॉलेज है, ठीक है। आप शॉर्ट टाइम में, मतलब लेट सपोज मैं एक इंसान हूं, मैं एक ट्रेडर हूं, तो मुझे क्या लगता है कि मेरे पास में टाइम बाउंडेशन की कोई लिमिट नहीं है। मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लगा दिया, अब अगर ये मेरा ट्रेड चलता रहे, 10 दिन चले, 5 दिन चले, मेरे पास में ऐसी कोई लिमिट नहीं है, तो मैं फोरेक्स में जा सकता हूँ। बट अगर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, मेरे पास में 1 घंटा ही है दिन का, मैं 1 घंटे में ही ट्रेड करके प्रॉफिट को अर्न करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, फिक्स टाइम की जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है मैं वो करूंगा। समझ में आपको आ रहा है? मतलब मेरे पास में टाइम बाउंडेशन की अगर लिमिट है तो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करूंगा, नहीं है तो मैं गाइस फोरेक्स में जाऊंगा, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें आपकी ऐसी हैं जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स में जो मैंने पॉइंट आपको बताया, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखो अगर मैं एक आपका रिवीजन करा दूं तो आप जल्दी जल्दी से समझ सकते हो। यहां पर ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या है, हम सर्टेन टाइम के अंदर ट्रेड लगाते हैं, सर्टेन अमाउंट की ट्रेड लगाते हैं एक सर्टेन प्राइस के ऊपर, ठीक है, किसी स्टॉक का। और अगर आपकी जो फोरेक्स है, फोरेक्स में हम गाइस क्या कर रहे हैं, फोरेक्स में हम करेंसीज को ट्रेड कर रहे हैं, पेयर्स में ट्रेड कर रहे हैं, एक को बाई कर रहे हैं तो एक को सेल कर रहे हैं। जो आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग है उसमें गाइस आपका रिस्क कम है, प्रॉफिट कम है, ठीक है, कैपिटल कम लगेगी आपकी, टाइम बाउंडेशन है उसमें, ठीक है। मतलब टाइम बाउंडेशन इन द सेंस कि आप जो आपका 1 मिनट का ट्रेड लगाओगे, 2 मिनट का ट्रेड लगाओगे, उतने में ही रिजल्ट आ जाएगा। अगर हम बात करें फोरेक्स की, फोरेक्स में ज्यादा कैपिटल चाहिए। आप बिगिनर हो तो गाइज आप बिगिनर में कॉम्प्लेक्स आपको हो सकता है, आप उसको ना करें, ठीक है। उसमें ज्यादा कैपिटल के साथ में गाइज आपको क्या है कि आपको ज्यादा लिवरेज के साथ में प्रॉफिट हो सकता है, तो आपको लॉस भी हो सकता है, ठीक है, आप कभी भी उसमें एग्जिट मार सकते हो। तो ये कई सारी चीजें हैं गाइज जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो आई होप कि ये आपका कॉन्सेप्ट जो है फोरेक्स का या ऑप्शन का कहीं ना कहीं थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अगर स्टिल अभी भी आपका कोई डाउट है कि कौन सी ट्रेडिंग मैं करूं, कहां पर मैं जाऊं और क्या मैं करूं, तो गाइज आप ध्यान से कमेंट जरूर कर देना, ताकि मैं ट्राई करूंगा कि इसका थोड़ा सा और एडवांस पार्ट में बनाऊं। और यहां पर गाइज देखो, आज क्योंकि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो संडे हो सकता है कल ये वीडियो डलेगा, तो यहां पर क्या है, देखो अभी मार्केट क्लोज है और जो मैंने बताया कि ये आपका जो फोरेक्स है वो गाइज वीक में 5 दिन आप 24 आवर्स कभी भी ट्रेड कर सकते हो, ऐसी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो मैं ट्राई करूंगा अगला वीडियो जो इसका एडवांस बनाऊंगा, जहां पर हम कुछ लाइव ट्रेड्स के रिजल्ट्स के साथ में, फीडबैक के साथ में काम करेंगे और अच्छे तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम और इसको समझ सकते हैं, फोरेक्स को या ऑप्शन को। अभी आप थोड़ा सा डिफरेंस समझो इन दोनों का कि मेन डिफरेंस क्या है, फिर हम धीरे धीरे करके फोरेक्स की कुछ सीरीज लाएंगे जहां पर आप क्या कर सकते हो, मेरे साथ में लाइव ट्रेड कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। तो इसके लिए आप क्या कर लो कि अभी के अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ध्यान से, अगर आपके पास में अकाउंट नहीं है तो आप नीचे दिए लिंक से अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन रखना आने वाले वीडियोस के लिए, ठीक है। सो मैं मिलूंगा गाइस आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच।